दोस्तों मेरे को तो आप जानते ही होंगे, मैं हूँ टेक्निकल गुरुजी। ये सब मेरे पीछे जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये है दुबई। हम दुबई में व्लॉगिंग कर रहे हैं। दोस्तों बुर्ज खलीफा के बाहर आप देख सकते हैं मैक्लेरन खड़ी। तो अब मैं थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ, अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर सुप्रा खड़ी हुई है। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा और आगे आ चुका हूँ, अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं मॉन्स्टर ट्रक खड़ा हुआ है। दोस्तों मैं यहाँ पर मेरे को इतने लोग बगल से जा रहे, कोई पूछ भी नहीं रहा है। ये खड़ी है मेरी लैम्बोर्गिनी उरुस, इसको भी मेरे को अभी इंडिया में इम्पोर्ट करानी है। कोई बात नहीं, बाद में करा दूंगा, अभी इसको यहाँ पे संडे दो। दोस्तों रास्ते में चलते चलते यहाँ पर मेरे को मिल चुके असली के टेक्निकल गुरुजी। अरे 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 सर, कैसे कैसे कैसे, अरे 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 सॉरी 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 सर, मैं व्लॉग बंद कर रहा हूँ, व्लॉग बंद कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो जी, हेलो, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग वीडियो में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब सारी मस्ती कर रहे होंगे। और जी हाँ, इस समय बज रहे गाइस सुबह के 6। एक तो झूठ भी तो नहीं बोल सकता ना, धूप भी तो मेरे सर पे आ रही है यार। दोस्तों इस समय बज रहे हैं 9। अब आए ना लाइन पे, यानी कि 9 बजने में भी कुछ चंद मिनट बाकी हैं। और इस समय हम आ रहे हैं साइकिल यात्रा से। तो इंट्रो में बाद में शूट कर रहा हूँ, लेकिन पूरा व्लॉग अभी आपको आगे देखने को मिलेगा, तो पूरा व्लॉग जरूर देखिएगा। और जी ये रहा सामने महानगर, सामने तो अभी बसें खड़ी है और यहाँ पे बहुत सारी साइकिल सबको दिख ही रही होंगी। तो यहाँ पे अपने भाई लोग अंदर है, चलिए मिलते हैं उनसे। हम भी पहुँच चुके हैं। जितने भी लोग ग्राउंड में हैं, सभी लोग यहाँ सामने आ जाइए, हमारे अतिथि मंच पर खड़े हैं। मेरा आज के इस कार्यक्रम के संयोजक अन्नी सूद जी से कि आप हमारी राष्ट्रोपाध्यक्ष नेहा जोशी जी का पुष्प देकर पटका पहनाकर स्वागत करेंगे। तालियां बजा दीजिए। हमारे महानगर युवा मोर्चा के प्रभारी हैं और लगातार हमें सहयोग हमारे हर कार्यक्रम में करते हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में संजय विश्वास जी जो निवासी हैं गईघाट विधानसभा कलकत्ता, जिनकी पढ़ाई ग्रेजुएशन तक हुई है। 4 किलोमीटर साइकिल यात्रा करती है पूरे भारत देश के 26 राज्य और बांग्लादेश के 3 जिलों की उन्होंने अभी तक यात्रा की है। मेरा हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान अजय जी भाई साहब से आग्रह है कि उनका उनको मोमेंटो देकर उनका इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस पर्यावरण को संरक्षण देने वाली बने, तो जिन लोगों ने भी इस दौरान अपने किन्हीं व्यस्तता कारण से पहुंच नहीं लगा पाए, तो मेरा उन सबसे भी निवेदन है कि एक पेड़ इस वर्षा काल के समय जरूर लगाएं और अपने आसपास के स्थानों पर ऐसे स्थान पर हम पेड़ लगाएं जहां उसका लाभ भी मिले। अन्यथा कहीं ऐसे रोड के किनारे लगा दें जहाँ उसको उखाड़ने की आवश्यकता पड़ जाए, प्राधिकरण में कहीं आ जाए। तो एक अच्छा पेड़, फलदार पेड़, छायादार पेड़ ऐसे स्थान पर लगे कि जहां उसका उपयोग भी आने वाला। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर हमारे हनी सूद जी मौजूद हैं, जो नारे लगाते जा रहे हैं। जो माई हाजी, हेलो, अरे चलो चलो चलो। हेलो, हेलो,
है हमारे करणपुर मंडल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष। और कैसा लगा आपको टिकट चला के? बहुत बहुत अच्छा लगा, हमारे फिटनेस के लिए भी अच्छा है और एक संदेश है पर्यावरण के लिए कि हमें एक पेड़ लगाना चाहिए और अपनी फिटनेस पे भी थोड़ा ध्यान देना। वैसे हमें आज ही नहीं रोज करना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मिया जोशी जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आशीष रावत जी, अंशुल चावला जी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दीदी हाई कर दो सबको। सामने हमारा हॉकी फील्ड भी है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप, ग्राउंड है यहाँ पे, बहुत सारे लोग खेलते हैं। जय भाई। हफ्ते में कम से कम एक बार हम सभी लोगों को एक दिन गाड़ियां ना चलाकर साइकिल से चलना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ सांस हम लेते हैं तो इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। हमें हफ्ते में एक दिन साइकिल चलानी चाहिए, क्योंकि हर घर में गाड़ियाँ। मैंने भी खींच ली आपकी फोटो यहाँ। और अब तो अरे खींच दिया सब है, इसलिए साइकिल चला। अरे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, हेलो तो बोल दो सबको। और यहाँ पर कार्यक्रम समाप्ति की ओर पे है, कुछ ही देर में इसका समापन होने वाला है। और यहाँ पर देख लीजिए सामने संकेत भाई, संकेत भाई हेलो कर दो सबको, ब्लॉग बना रहा हूँ। फिर से निवेदन है युवा मोर्चा द्वारा जो है कि अच्छी पहल की गई है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, और हमारा जो साइकिल चलाने से स्वास्थ्य के प्रति जो हमारे लाभ है वो हम सभी को पता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि युवा मोर्चा की इस पहल में आप भी शामिल होकर के और साइकिल रैली के माध्यम से जो है आज जन जागरण यात्रा आज प्रारंभ हुई है, इस सभी में आप भी अपना सहभाग करेंगे और साइकिल को आप सभी अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, ऐसा निवेदन करते हैं। अपनी बातों को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज एक बात तो है, मजा आ गया साइकिल चला के, बहुत टाइम बाद, लगभग मेरे 2 साल बाद साइकिल चलाई होगी आज, या ज्यादा ही मतलब। ब्लॉग में हाय तो कर दो सबको। आज हम लोगों ने पर्यावरण यात्रा के माध्यम से साइकिल यात्रा निकाली, आप सभी को बहुत बहुत पर्यावरण की संकल्प लेना है ताकि हम लोग पेड़ लगाए और पर्यावरण बचाए। धन्यवाद। तो दोस्तों हम यहाँ से निकल चुके हैं और अपने काफी सारे भाइयों से तो मैं आपको मिला नहीं पाया, क्योंकि कोई कहीं बिजी था, कोई कहीं बिजी था, जैसे कि हम भी ब्लॉग बनाने में बिजी थे। तो ये ब्लॉग तो था ही, साथ ही साथ एक आपके लिए आप सबको सूचित किया है अपने बड़े भाई लोगों ने, पर्यावरण का पूरा पूरा ध्यान रखें, अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखें, और एक ही दिन नहीं बल्कि रोज रोज अपनी हेल्थ का ध्यान रखें ऐसे। तो दोस्तों गर्दन हाथ और मुंह सब कुछ जलाते हुए हम पहुंच चुके हैं घर। तो दोस्तों अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों यही पे करते हैं ब्लॉग को खत्म। तो चलिए बाय।